Hello guys, welcome or welcome back to my channel. I am Khushi Sun and I hope you guys are going good and doing great in your lives. Well, आज का जैसे वीडियो मैंने तुमसे स्टार्ट करा, वैसे ही मैंने कैमरा पकड़ा, मैंने व्लॉग करना शुरू कर दिया और अभी बज रहे हैं रात के 11:30, जैसे हॉट भी रहे 11:30 बज रहे हैं और मैंने इसी कैमरा पकड़ लिया व्लॉग करना शुरू करते हैं बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतना मच लाइक इतना सब कुछ कचपच क्लटरिंग हो रखा है घर भी एंड रूम इज़ नॉट ऑर्गेनाइज एंड एवरीथिंग इज़ हैपनिंग. बहुत ही खचपच हो चुका है अपनी ज़िंदगी में. थोड़ा सा उसको डी क्लटर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में बता रखा था कि आई एम गोइंग टू फाइंड सम जिम एंड एवरीथिंग. फिर उसके बाद ये हुआ कि आई थॉट कि मुझे जिम नहीं ज्वाइन करना चाहिए बिकॉज लाइक अभी वो एक साथ ही देवर आस्किंग फॉर लाइक गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड इधर भी थी नहीं. फिर ये वो बहुत दिमाग लगाया तो मैंने कहा कि चलो पूरे सारे पैसे दांव पे लगाते हैं जिम में बिकॉज एनी वेज फूड इज़ इंक्लूडेड हेयर. तो मैं सारे पैसे लाइक आई एम टोटली शोइंग यू द रियल साइड एंड वेन इवन इफ आफ्टर यू स्टार्ट अर्निंग इट्स नॉट लाइक दैट यू विल हैव अ लेविश लाइफ. इनिशियली ऑफकोर्स अपवर्ड्स यू विल हैव इट बट इनिशियली ऑफकोर्स बहुत मैसअप होता है जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड एवरीथिंग एंड ऑल. तो सब तो लिटरली फर्स्ट महीने में तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं बचता आपके हाथ में. एंड सेम इज़ हैपनिंग विथ मी. कुछ नहीं बच रहा, कुछ अभी ही नहीं बचा. इट्स लाइक 7th of May ओनली और आई एम लाइक लिटरली बैंकरप्ट. यस आई एम. सो बट इट्स ओके. अगेन नेक्स्ट मंथ सैलरी विल कम. आई हैव मनी अगेन इन माई बैंक अकाउंट बट आई डोंट नो व्हाई इट हैपन बट ऑफकोर्स पेरेंट्स हैं, कभी भी नीड पड़ेगी तो आई कैन आस्क मनी फ्रॉम देम विच यू नो इवेंचुअली व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग नहीं मांगा जाता. मतलब ऐसा होता है कि नहीं मांगते बट स्टिल आई हैव फ्यू मनी. और कुछ जगह से मैंने शूट वगैरह किए थे तो दैट पेमेंट इज स्टिल लेफ्ट, तो इस महीने में आ ही जाएगा. तो एनी वेज आई विल बी एबल टू मैनेज द एक्सपेंसेस थोड़े जो एक्स्ट्रा होंगे. तो इस टाइप से मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन बिठाई एंड कल मैं फाइनल जाके जिम फाइनलाइज कर दूंगी. यहाँ पे मैं एक्चुअली 4 जिम विजिट करे एंड फिर द चीपेस्ट वन आई कुड फाइंड आउट इट जस्ट ये तो 12,500 रुपये 3 महीने के, 8,500 रुपये 3 महीने के. देखो लाइक रियली एक्सपेंसिव जिम्स हैं. मैं खाना पीना छोड़ के यहीं सोती हूँ, यहीं रहती हूँ. इट फील्स लाइक दैट. बट अभी फ़िलहाल के लिए बहुत सारी बातें होगी. एंड हाँ, एक चीज़ और जो मैं शूट की बात कर रही थी जिसकी पेमेंट आ गई, तो उस शूट का एक्चुअली होर्डिंग्स भी लगे हैं. लेट मी पॉप अप पिक्चर हियर फॉर यू गाइस. वही बहुत बातें होगी, काम पे लगते हैं. थोड़ा बहुत अरेंज करा है मैंने. उसमें से सबसे पहले वॉशरूम का पूरा अरेंज करना और थोड़ा सा मेरे साइड टेबल उसका अरेंजमेंट करना. तो लेट मी शो यू. एंड जैसे आपने देखा कि मेरा जो मेकअप बॉक्स है उसको भी मैंने पूरा अरेंज कर दिया है, सब सामान डाल दिया बेसिकली उसमें. लेट मी शो यू. ये कॉर्नर भी थोड़ा सा अरेंज करा है. इसमें क्या किया मैंने बेसिकली, ये मेरा ब्यूटीफुल सा मग है, बहुत प्यार लग रहा है. सॉसर टी सॉसर बनाना चाह रहा लेकिन निपकोर से प्लेट है. दैन जो मेरे बेसिस घर में रखे थे वो. एंड ये परफ्यूम मैंने आपको दिखाया होगा, ये मैंने खरीदा. इसका रहा बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी. सो सरप्राइजिंग फ्रेगनेंस ठीक है बट हाँ लॉन्ग लास्टिंग है. दिस इज रियली शॉकिंग. एंड दिस डिओड्रेंट ओ गॉड आई हैव नो आइडिया कि कौन सा ब्रांड है बट इट्स रियली लॉन्ग लास्टिंग. लाइक बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. इसकी बहुत फ्रेश खुशबू भी आती है. आई गॉट गिफ्टेड बाय दिस माई मामी एंड बहुत अच्छा है. पूरा मेकअप किट है ऐसा. मैंने इसमें सनस्क्रीन स्किन केयर, लेकिन ऊपर वाले पार्ट में सिर्फ स्किन केयर मेकअप ब्रशेस मिलेंगे एंड ऑफ कोर्स आई पैचेस ये सब मिलेगा. एंड देन और माय नेल पेंट्स लिपस्टिक्स आईलाइनर जो भी. इस वाले कॉर्नर में सिर्फ मेरे जितने भी कंसीलर फाउंडेशन बीबी क्रीम सीसी क्रीम जो भी यूज़ करती हूँ सब रखेगी. एंड देन ऑफकोर्स देर आर लाइक यू के पास्ताज. लाइक अगर आप लोगों ने मेरी जो रेडी टू ईट फूड वीडियो वाला चैनल देखा था उसमें मैंने काफ़ी सारे चीज़ें खाई थी जो रेडी टू ईट होते हैं. तो यू का पास्ता वॉज वन ऑफ दोज. लेट मी शो यू. ये मैं नया लेकर आई हूँ पेपरी. आई नेवर ट्राइड दिस वन बट आई हैव ट्राइड दिस वन एंड दिस टर्न्ड आउट रेडी कोड जो मैंने उस वीडियो में ट्राई किया था. नहीं देखा लिंक कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना. नाउ इट्स टाइम टू अरेंज दिस टेबल एंड दिस चेयर क्योंकि मेरे मतलब अलमीरा नहीं आई तो उसके कारण मेरे को बहुत सामान जैसे पीछे आगे पीछे बहुत मैसअप हो रखा है. बट हमें टेबल को क्लीन कर देते हैं. थोड़ा तो मतलब डीक्लटर लगना चाहिए ना. थोड़ा सा इस टेबल से भी थोड़ा डीक्लटर कर दिया. ये रहा कैमोमाइल टी से भी नींद उड़ चुकी है. एंड ऑफकोर्स मेरे पास
ये मेरी डायरी, मेरी बुक एंड ये बहुत ही कूल सा स्टफ है यार। अरे मस्त हवा करता है ऐसे करने के लिए। एंड देन चश्मा साफ करने वाला, छोटी सी वो होती माता रानी की, ये धूप बत्ती है लाइट, ये माचिस, ये मैंने पुरानी आज लेके आई हूँ एक्चुअली। और इसके नीचे मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी वगैरह सब डाल दिया, सत्तू एंड गाइज आई एम ऑल सेट टू गो जिम। सो काफ़ी महीने बाद जा रही हूँ, सो एक्साइटेड। बट हाँ, नींद मेरी आँखों में आप देख सकते हो, बिकॉज कल मैं बहुत ही लेट सोई, बट आई एम रियली एक्साइटेड। सत्तू इज रियली रिच इन प्रोटीन, तो मैं कल लेके आई सत्तू, मैंने वो बनाया है। दंतर सम बनाना है एंड सम पीनट बटर, चॉकलेट पीनट बटर। ओके गाइस, सो आई एम ऑल सेट टू गो टू ऑफिस। आज मैं थोड़ा सा एथनिक वगैरह पहना है। सबसे पहले मैं अपने फेस पे स्कार्फ पा लेती हूँ, बिकॉज आई बी वॉकिंग थ्रू द वे, बिकॉज पास में ही है एंड पास में है तो फिर गर्मी बहुत हो रही थी, तो सनस्क्रीन लगाने के बाद और गर्मी हो जाती है, स्वेटिंग एकदम चिपचिपी हो जाता है मेरे को इस लग रहा है। देख कितना भी अच्छा सनस्क्रीन हो, लाइक आई एम यूजिंग फॉक्सटेल सनस्क्रीन, बट वो इतना अच्छा होने के बाद भी लाइक इट गिव्स लाइक रियली लाइक दैट ग्लो ऑन योर फेस, बट स्टिल चिपचिप। मेरे को लग रहा है मैं कौन सा मिशन अकम्प्लिश करने वाली हूँ अभी। ये वैसे मैं कहाँ होगा पहन के, देखिए देखो भाई जनाब हट जाओ, ये ना हटेंगे हमें कुछ साइड से निकलना पड़ेगा। ओके सो फिनिश्ड टू माय ऑफिस डे एंड 7:30 बजे शाम के, आज काम करते करते, बट कभी कभी लेट आती है कभी जल्दी भी आता है। सो अभी के लिए फिलहाल कोई बैक टू होम, रस्ते में जो फ्रूट्स वगैरह वो मिलेगा तो आई बाय एंड समथिंग स्टफ लाइक दैट। Okay people, so I am back from the office and I just cut few fruits like और थोड़े से apricot है and there's like melon, ये fruits कट के अपने लिए। But yes, another update जो मैं बोलना चाहती हूँ कि that I will be having a roommate. Well earlier it was not planned, I was shifted alone and it was like that. But जो लड़की इस रूम में पहले रहती थी, she went somewhere, but due to some circumstances happened, she just brought her all the stuff back. एंड देन फिर अंकल आंटी असिस्टेंट में की एक दो महीने की बात है, आप रख लो अगर पॉसिबल है देन दे इज दैट हैपनिंग। सो अब ये हो गया कि ठीक है आई विल बी शिफ्टिंग विथ हर, बट हाँ एक दो महीने की बात है, बट स्टिल द थिंग इज व्हेन यू आर लाइक गुड लाइक यू जस्ट समवेयर काइंड हार्टेड, आई फील सो आई एम अ काइंड हार्टेड, समटाइम्स खुद भी परेशान हो जाता है इंसान कि वी डोंट नो हाउ टू से नो, विच इज़ रियली नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज पीपल स्टार्ट इंटिमिडेटिंग यू विद दैट फैक्टर। एंड आई वॉज लाइक कि क्या मना करूँ, अब अंकल आंटी है, सो दे आस्क मी, सो आई वॉज लाइक ओके लेट्स डू दिस वे कि अब एक दो महीने की बात है, मे बी आई एल बी अ रियली गुड फ्रेंड्स एंड आई एल बी अ गुड फ्रेंड विद लाइक आई हैव नेवर लिव्ड विद एनी रूममेट टिल डेट। लास्ट टाइम जो ब्रेक थी तो मैंने आपको ब्लॉग में बताया था, शी लिफ्ट मी एंड ऑल द सिनेरियो हैपन। आई होप यू गाइस गॉट द लाइक मेन आइडिया कि ओके आई विल बी हैविंग अ रूममेट वेरी सून। ओके गाइस वो भी हो गई अच्छी खासी रात एंड आई जस्ट फिनिश माई कैमोमाइल कप ऑफ टी, तो मैंने वहाँ रखा है। एंड अभी फिलहाल के लिए मेरी मम्मी से बात हो रही, थोड़ा भी इमोशनल हो गई एंड आई वाज लाइक फीलिंग रियली लो, और मुझे फिर मम्मी ने रियलाइज कर दिया आई नीड फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, तो उन्होंने वहाँ से मेरे लिए ऑर्डर कर दिया है। सो जेप्टो से बेसिकली, जेप्टो वाले भैया तो मेरे वो हो गए लिटरली, मैं इतनी चीज़ें ऑर्डर कर रही हूँ जब से आई हूँ, बहुत ऑर्डर कर चुकी हूँ जेप्टो से। सो फिर मेरे को प्रेस की नहीं थी तो उन्होंने मेरे लिए प्रेस ऑर्डर करा, ये फिलिप्स का पिजन का, सॉरी पिजन का प्रेस है, आई ट्राइड अभी इसको मैंने चला के देखा तो सही था। एंड साथ में देर इज़ लाइक जीरो कैलोरी, सॉरी जीरो शुगर वाली,
मतलब इट हैज ओनली 79 कैलोरीज एज पर इट सेज एंड ये आइसक्रीम इज जस्ट अपलिफ्ट आई मूड बिकॉज आई एम रियली फीलिंग लो, मतलब लिटरली बहुत लो फील हो रहा है मुझे, पता नहीं क्यों हो रहा है बट हो रहा है भी गाइस। सो आई एम बैक फ्रॉम द जिम ऑफ द नेक्स्ट डे ऑफकोर्स, बट हाँ ये एक्चुअली मैं ब्लॉग चाहती थी मैं ऐसे ही कंक्लूड कर देती बट आई रियली वॉन्टेड टू से समथिंग टू यू गाइज इज दैट यू सम डेज इट माइट बी लाइक यू फील लाइक रियली लो एंड यू डोंट फील लाइक डूइंग एनी थिंग एंड यू जस्ट फील लाइक देर इज नो पर्पज देर इज दैट बहुत ओवर थिंकिंग हो जाती है दिमाग में बट लाइक आई फील द नेक्स्ट डे शुड बी फुल ऑफ होप्स। तो इट इज़ ऑलवेज लाइक कि अपने नेक्स्ट डे को बहुत ही अच्छे होप से शुरू करो, समथिंग पॉजिटिव नोट एंड द वन जो मतलब सुबह उठ के बस ऐसे धीरे धीरे काम करते हैं उन सब के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब भी मैं भी अपने ऊपर भी बता रही चीज़ अगर मैं सुबह उठ के नॉर्मली चली जाऊँ तो आई वुड नॉट फील दैट एनर्जी इन मी, बट अगर हम कोई भी वर्कआउट करते हैं डांस करते हैं ज़ुम्बा करते हैं लाइक एनी फॉर्म ऑफ वर्कआउट योगा मेडिटेशन वट एवर यू डू लाइक दैट रिजनोवेट्स योर एनर्जी ऑफकोर्स एंड बहुत ही बूस्ट ऑफ एनर्जी मिलता है, एक होप मिलती है और द नेक्स्ट डे तो एक जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस, मेरे को उसका ज्ञान देना नहीं है, मेरे को कोई टेक टॉक्स नहीं करना बट इट वॉज जस्ट अ रियलिस्टिक ब्लॉग ऑफ द डे कि दिस इज हैपनिंग एंड आई वॉज फीलिंग समवेयर डिप्रेस नॉट डिप्रेस पर्टिकुलरली डिप्रेशन इज लाइक अ ह्यूज टर्म बट डिप्रेस्ड मतलब एक 1% ऑफ लाइक फीलिंग नॉट गुड is termed as depressed nowadays but I was not feeling good actually but okay so back with another day energy and let's see what life gives to us mai bas apna kaam karna hai and let's see thanks for watching aur itna gyan sunne ke liye abhi tak so yes thanks for watching subscribe for more gyan